जो पहले मैंने कहा कि जो कोई भी आदमी का नेचर अगर अच्छा होता है तो ही इज ऑलवेज लाइक बाय पीपल अराउंड। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस होता है नहीं होता है ये अलग चीज़ है, और एक आदमी का नेचर होता है ये अलग चीज़ होती है। और मेरे फादर ने मुझे यही एडवाइस दिया था कि आपका जो नेचर होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है, तो आप अगर अच्छे नेचर के आदमी बन सकते हो तो वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी और लोग आपको पसंद करेंगे चाहे आप रन बनाए या ना बनाए। मेरे बच्चों को देना चाहूँगा आगे। मला आठवत आहे आम्ही इंदोरला अंडर 15 कॅम्प अटेंड करत होतो आणि त्यावेळेला वासुपरन स्पेसर आमच्यावर होते, कोच होऊन 1 महिना होतो आम्ही, आणि फार मजा आली त्या कॅम्पला। पण लिटरली दुसऱ्या का तिसऱ्या दिवशी आमच्या तिकडच्या वॉचमनने कंप्लेंट केली की फरहान स्पेसरांना कंप्लेंट केली की आपके वहाँ कैंप के बच्चे रात को 2-2 बजे तक नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये बाकियों को डिस्टर्ब कर रहा है। तर सरांचं उत्तर हेच होतं त्याला की यार तुम देखता क्या, फिर जाके फिल्डिंग करो उधर। तर म्हणजे क्रिकेटसाठी बेसिकली ज्या वेळेला तुमचा मूड होतो त्यावेळेला तुम्ही जाऊन खेळता, आणि विच इज व्हॉट आय फॉलो, जस्ट फॉलो युअर हार्ट। आय हॅव्हन थॉट ऑफ इट ऑनेस्टली, आय हॅव्हन हॅड टाइम टू थिंक अबाउट इट। सम स्टेज येस इफ आय फील लाइक देन आय वुड डू। मैं किसी भी तरह का गीत पसंद करता हूँ, सिर्फ इंग्लिश हिंदी या मराठी नहीं, स्पैनिश जो भी, जो म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि जो आपके दिल से बात करती है। तो बेसिकली कोई भी अच्छा म्यूजिक मैं पसंद।